हेलो एवरीवन, आज बात करने वाले हैं एशिया कप के मैचेस जो होने वाले उनके ऊपर। इंडिया का मैच पाकिस्तान के खिलाफ होने वाला है और मौका मौका पाकिस्तान को फिर से आने वाला है। हमें तो पाकिस्तान से बदला लेना है किसी भी हालत में। जो वर्ल्ड कप में हुआ था हमारे साथ उसका भी बदला लेना है, चैम्पियन ट्रॉफी का भी बदला लेना है। इस बार तो एशिया कप बदले की लड़ाई है हमारे लिए। दोस्तों आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। पाकिस्तान को इस बार तो हराना है हमको। और विराट कोहली ने ये कहा है कि इस एशिया कप में मैं अपने टीम के लिए खेलूंगा और मेरा पहली प्रायोरिटी है कि मैं टीम इंडिया को कप जिता के दूँ। मेरा फॉर्म कैसा भी चल रहा होगा लेकिन मैं अपने सबसे पहले मैं अपने टीम को जिताने के बारे में मैं सोच रहा हूँ। और रोहित शर्मा ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि हर चीज़ का मैं बदला लेने वाला हूँ। तो हमारी टीम तो पूरी तरह से फोकस है एशिया कप के लिए। और साथ ही बाबर आजम ने ये कहा है कि हम भी एशिया कप में कोई कसर नहीं छोड़ने वाले, इंडिया को हराने की वो कोशिश करेंगे। लेकिन वो कोशिश ही रह जाएंगी और वो नाकाम होंगे क्योंकि इंडिया की टीम बहुत ही तगड़ी है। इस बार इंडिया के साथ बहुत सारे टीम है एशिया में। अब बहुत ही बड़ा ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा आप लोगों को दोस्तों, कि आप लोग तैयार है ऐसे ही एक्शन को देखने के लिए। तो अगर आप लोग तैयार होंगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए क्योंकि एशिया कप की सारी वीडियो इधर आने वाली है। तो फ्रेंड्स, मैं हूँ योगेश, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है योगेश मदने। तो फटाफट से और बातें करते हैं कि इस बार जो एशिया कप होने वाला है वो यूएई में होने वाला है। दोस्तों हर साल की तरह यूएई में ही एशिया कप खेला जाता है और वहाँ पे देखिए जो क्वालिफायर टीम है वो पहले हिस्सा लेंगी और क्वालिफायर वन और टू ऐसे दो टीम मिलकर क्वालिफायर हो जाएंगी और उसके बाद डिसाइड होगा कि कौन आने वाले समय में खेलने वाला है। तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया और श्रीलंका ये चार टीम तो फिक्स है और साथ ही बांग्लादेश पांचवी, तो इनको तो फिक्स है और दो टीम आने वाली है। तो उसके साथ बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा अपने को और टीम इंडिया का परफॉर्मेंस तो बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। मुझे तो लगता है टीम इंडिया इस बार एशिया कप तो ले के रहेंगी और पाकिस्तान को मज़ा भी चखाएंगी और पाकिस्तान के घर में अब टीवी फूटने वाले हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है ये मुझे कमेंट करके बताइए। तो मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।